हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो बारिश के दिनों में हर कार ओनर ने कभी ना कभी फेस किया होगा। जी हाँ, मैं वाइपर ब्लेड्स और विंडशील्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके वाइपर ब्लेड शीशे को ठीक तरह से साफ़ नहीं कर पा रही है, और हम अगर इसे ऐसे ही रगड़ते रहें और इसके ब्लेड चेंज ना करें तो ये ब्लेड हार्ड होकर टूट जाएगी, जो कुछ ऐसे दिखने लगेगी। ये ब्लेड हमारे शीशे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और हम इसे फिर भी नज़रअंदाज करते हैं और ख़राब ब्लेड को लगातार शीशे में रगड़ते हैं तो नुकसान हमारा ही होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब जैसे हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए हमें एक एंटी रस्ट स्प्रे चाहिए और कॉटन का कपड़ा चाहिए। पहले हम कपड़े पर एंटी रस्ट स्प्रे करेंगे और वाइपर ब्लेड्स को ठीक तरह से साफ़ कर लेंगे। इससे इस पर जितना भी धूल लगा होगा वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। साफ़ करते वक्त हमें ध्यान देना है कि हम ब्लेड्स को आराम से साफ़ करें, वरना ये ख़राब भी हो सकता है। हमें हमेशा ध्यान देना है कि वाइपर प्लेट्स को कभी ड्राई नहीं चलाना चाहिए। अगर हम इसे ड्राई चलाते हैं तो शीशे पे जितना भी धूल बैठा होगा वो ब्लेड्स में लग जाएगा और वो साफ़ करने में दिक्कत करेगा। अब हम इसके विंडशील्ड वॉशर में जो एडिटिव डालते हैं उसके बारे में बात करेंगे और इसके फ़ायदे और नुकसान भी जानेंगे। ये है इसके विंडशील्ड वाटर का कंटेनर, जो कि ब्लू कैप के साथ आता है हर गाड़ी में, और ये है इसके नोजल्स। तो चलिए हम इसमें डाले जाने वाले एडिटिव्स के फ़ायदे और नुकसान जान लें। ये है टोयोटा का रिकमेंडेड विंडशील्ड वॉशर, जो कि कंसेंट्रेटेड फॉर्म में आता है, और ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से पानी में घुल जाता है। ये मारुति द्वारा रिकमेंडेड विंडशील्ड वॉशर है, ये भी जब पानी में मिलता है तो कितनी अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाता है। ये हर एक विंडशील्ड वॉशर कंसेंट्रेटेड फॉर्म में आता है। यह है ह्यूंडई द्वारा रिकमेंडेड विंडशील्ड वॉशर, और इसे भी देखिए ये पानी में कितनी अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाता है। ये सारा विंडशील्ड वॉशर 20 रुपये के अंदर आ जाता है। ये हमने हेला का आफ्टर मार्केट विंडशील्ड वॉशर लाया है, हम इसे भी पानी में डाइल्यूट करके देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पानी में पूरी तरह से डाइल्यूट नहीं हो रहा है, और अभी भी नीचे में क्लीन वाटर देख पा रहे हैं आप। यहाँ हम नीचे में कुछ पार्टिकल्स भी देख सकते हैं जो पानी में डाइल्यूट नहीं हो रहा है। अब इसके बाद जो एडिटिव है वो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जी हाँ, ये जो आप हेयर शैम्पू देख रहे हैं, ये जब मैंने पानी में डाला तो ये पानी के नीचे में बैठ गया और पानी के साथ बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं हुआ हुआ। जब हमने शैम्पू वाले पानी के बोतल को ठीक तरह से बंद करके शेक किया तो ये पानी में डाइल्यूट हो गया, पर जब हम इसे फिर से स्टील करके रख देंगे तो ये कुछ समय के बाद फिर से नीचे बैठ जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये एडिटिव्स यूज करने के बाद कुछ पानी गाढ़ा दिख रहे हैं, कुछ उससे थोड़े कम दिख रहे हैं और कुछ उससे भी थोड़े कम दिख रहे हैं। तो इसका सीधा साधा कारण है जो हम पाउचेस यूज़ किए हैं उसका क्वांटिटी, किसी का 70 है तो किसी का 50 है। और हाँ, ये जो शैम्पू वाला हमने एडिटिव यूज़ किया है ये मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, सो प्लीज़ डोंट यूज़ इट। इससे आपके वाइपर के नोज़ल ख़राब हो सकते हैं। ये कंपनी द्वारा रिकमेंडेड विंडशील्ड वॉशर हमेशा पानी में डाइल्यूटेड होकर रहते हैं, जिससे कि आपका वाइपर ब्लेड्स, नोजल्स और विंडशील्ड सब क्लीन रहता है, और देखिए कितना साफ़ सुथरा आपको रिजल्ट मिलता है। सो बी स्मार्ट एंड चूज़ करेक्ट। थैंक यू।